बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन, आई केयर फाउंडेशन की जानिब से नवीद बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी टीम की जानिब से हमारे रसूल भाई जो तकरीबन 5 साल से कांटेक्ट में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये रसूल भाई जो है डिप्लोमा में इनका रैंकिंग अच्छा था, इस वजह से हम इनका स्कॉलरशिप के लिए जो भी मुहैया करना था स्कॉलरशिप मुहैया किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद इन्हों कंटिन्यू करना है, बल्कि हमारी आई केयर फाउंडेशन जैसा मोहसिन भाई हैं, मोहसिन कमाल भाई, और हम खुद टीम मेंबर्स मिलके इनको आईएएस करने के लिए और केएस करने के लिए हमें रिक्वेस्ट किए थे, इनको हम हौसला अफजाई किए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी बात लेकर अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ओपिनियन इनका ओके था, तो इन्होंने खुद आईएएस के लिए और पहले केएस में हम इंशाल्लाह इसमें एंट्री करेंगे बोल के केएस को इन्होंने इंशाल्लाह ट्रेनिंग मुहैया करने के लिए आई केयर फाउंडेशन का ताउन लिए थे। तो जो भी इसमें हिस्सा लिया अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। ये गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके वालिद साहब जो हैं गारे का काम करते हैं, मिस्त्री का, तो बहुत गरीब तबके से निकले हैं, लेकिन इनका जो पढ़ने का जो डिस्टिंक्शन लेवल में था, जो वो हिसाब से देखकर हमारी टीम से इनको स्कॉलरशिप मुहैया करने के लिए आगे बढ़े थे। तो ये भी कुछ कहना चाहेंगे आई केयर फाउंडेशन को, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सब, मेरा नाम आके रसूल बोल के साहब, हमें यादगिरी वाले बट हमें यहाँ जयनगर पे रहते हैं साहब। मैं लास्ट 5 साल से मैं एकेयर फाउंडेशन में स्कॉलरशिप ले रहा हूँ। मैं डिप्लोमा सेकेंड ईयर में मोहसिन साहब को, नवी साहब को कांटेक्ट किया पहले बार कांटेक्ट किए बाद मुझे बहुत तकलीफ़ था फ़ीस के लिए। सो हमारे घर में बहुत तकलीफ़ था, क्योंकि फ़ीस भरने के लिए हर एक को भी प्रॉब्लम हो गया था। मैं मेरा डिप्लोमा में आके 10th में 88% आया मेरा, और मैं डिप्लोमा कर गया। डिप्लोमा में 3 बार कॉलेज टॉपर भी हुआ, और कॉलेज टॉपर होने बाद मैं सीईटी एग्ज़ाम लिखा, उसमें भी अच्छा मार्क्स आया मेरा। और मैं इंजीनियरिंग को सीट भी मिला मुझे, बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैकेनिकल ब्रांच में सीट मिला। वहाँ 3 साल इंजीनियरिंग भी कम्प्लीट किया। हर मेरे फीस को सभी को भी सर आई केयर फाउंडेशन से भी मुझे पूरा हेल्प मिला। सो बाद में मेरा ड्रीम आको मैं IPS बनना का, वो ये करको उनसे उसे प्रिपेयर कर रहा था। इंजीनियरिंग में मुझे काम भी मिला था आई के इनोविडा बोल के कंपनी में, फिर एक्सिस कैड कंपनी में मेरा जॉब भी मिला था, 8 लाख पर एनम था। बट वो 3 ईयर्स बॉन्ड था, इसलिए मैं क्विट किया। UPSC के लिए अभी 2-3 साल पढ़ाई करे तो अच्छा होता है बोल के मोहसिन साहब भी, नवी साहब भी पूरे मुझे मोटिवेट किए। अब 1-2 साल अच्छा पढ़े तो अच्छा गवर्नमेंट काम मिलता है बोल के, इसलिए मैं अभी प्रेजेंट राजकुमार अकेडमी में कोचिंग ले रहा हूँ KS के लिए। अगर कोई किसी तो भी कॉन्टेक्ट चाहिए तो, क्या तो मोटिवेशन चाहिए तो पढ़ने के लिए, कुछ हेल्प चाहिए तो आई केयर फाउंडेशन को आप कॉन्टेक्ट करे जगह। यहाँ सब लोग भी आपको अच्छा तरह से गाइड करते हैं, सामने फ्यूचर को भी अच्छा हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल मैं हूँ, मुझे क्या भी नहीं मालूम रस वाला कन्नड़ा मीडियम में पढ़ के अब KS को प्रिपेयर कर रहा हूँ सब। हमारे वाली साहब आके नबी साहब बोल के उन्होंने गारे काम करते थे सो, अब प्रेजेंट उनको काम करने भी नहीं आता है। मैं प्रेजेंट घर में पढ़ ले कर तो ये कर ले सर। तो सर हाँ सर, शुक्रिया सर। तो इस कदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जैसे रसूल ही इस तरह के कोई और हमारे गौम में या कोई भी कम्युनिटी में चलता है, तो आगे बढ़ने के लिए या कुछ और पढ़ने के लिए IAS या KS या IPS किसी भी तबके में जाना चाहती, किसी भी लाइन में जाना चाहते हैं, तो आई केयर फाउंडेशन की टीम से राबिता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम मोटिवेट करेंगे। हमारे बहुत सारे जो इदारे हैं मकामी इदारे, जो वो भी हमारे साथ मिलके चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम इसमें इंशाल्लाह आपका ताउन करने के लिए कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।